दोस्तों जब भी आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और वहाँ पर रील वाले सेक्शन पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ढेरों सारी पॉपुलर ट्रेंडिंग जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही होती है इंस्टाग्राम में, वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप स्वाइप अप कर करके वीडियोस को देखते जाते हैं। उनमें से कुछ वीडियोस ऐसे भी होते हैं जिनमें फोटोज़ को ऐड करके वीडियो बनाया जाता है, जिनमें काफ़ी सुंदर सुंदर इफेक्ट ऐड किए गए होते हैं, फिल्टर्स ऐड किए गए होते हैं, और उन फोटोज़ वीडियोज़ को देखकर कभी ना कभी आपके मन में भी इच्छा ये ज़रूर जागती होगी कि काश हम भी अपने फोटोज़ से इस तरह की वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम में रील में शेयर कर सकते, सोशल मीडिया में शेयर कर सकते, ताकि हमारे भी उन फोटोज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते, लाइक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें अच्छे तरीके से फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग नहीं आती है। तो वैसे में दोस्तों आज मैं आप सभी को एक बहुत ही कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिस एप्लीकेशन की मदद से आप इसी तरह की सिर्फ फोटो को ऐड करके सिर्फ एक क्लिक में एक से बढ़कर एक आप वीडियोस बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस तरह की वीडियोस इंस्टाग्राम रील में वायरल भी हो जाती है और आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं काम करना पड़ता है, सारा काम यह एप्लीकेशन कर देती है, बस आपको फोटोज को सिलेक्ट करनी होती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन सी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल आइकन को दबा दीजिए, ऐसे ही एप्लीकेशन वाली वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। दोस्तों उसके लिए आप सभी को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेने के बाद ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। आपको यहां ढेरों सारे आपको इफेक्ट में, आपको फिल्टर में, आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट, कई सारे इफेक्ट और फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कैटेगरी वाइज भी यहां पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, न्यू, टिकटॉक, एनिमी, फ्रेंडशिप, इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ कोई भी यहाँ पे जो टेम्पलेट्स है उन्हें एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए जैसे मैं मान लीजिए इस वाले पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ फ्री टायर पे क्लिक करना है। फ्री टायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये लॉक्ड है, तो इसे अनलॉक करने के लिए आपको इनका एक वीडियो वाला ऐड देखना होगा। तो चलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से अपने गैलरी से उन फोटोज को सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ मैक्सिमम 20 फोटो तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे 10 फोटो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से जिस भी फोटो को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उन फोटोज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फोटो बनकर रेडी हो जाता है। आपको कुछ सेकंड का यहाँ पे वेट करना है और आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो फोटो से इस तरीके से वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसमें म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज म्यूजिक पे क्लिक करेंगे। चेंज म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई फाइल मैनेजर में म्यूजिक है तो आप माई म्यूजिक पे क्लिक करके आप अपना म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर में म्यूजिक लाइब्रेरी में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हैप्पी वाला म्यूजिक, सैड म्यूजिक, पॉप अप, रोमांटिक, क्लासिक, फैमिली, इस तरीके से डीजीए वाला म्यूजिक, जिस भी कैटेगरी का म्यूजिक आपको पसंद है उस कैटेगरी पे क्लिक करिए। जो भी म्यूजिक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करके यूज पे क्लिक कर दीजिए और वो म्यूजिक आपके उस वीडियो पे ऐड हो जाती है, लाइक कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है आपकी सारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप सही के निशान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सेव टू फोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना रेजुलेशन सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ HD में सिलेक्ट करता हूँ। HD पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे फ़ोन की गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। आपको कुछ सेकेंड का यहाँ वेट कर लेना है और आप देख सकते हैं लगभग हमारी जो वीडियोस है वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और हमारे गैलरी में सेव भी हो चुकी है। और यहीं से आप इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहीं पर भी शेयर भी कर सकते हैं। तो लाइक कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन की मदद से आपको ढेरों सारे इसमें फिल्टर्स इफेक्ट मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फोटोज़ का वीडियोस बनाकर आप भी अपने इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं। मैन्युअली आपको हाथों से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सारा काम ये एप्लीकेशन कर देती है। बस आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में फोटोज़ ऐड करने होते हैं और आपकी फ़ोटो से वीडियो बनकर यहाँ पर रेडी हो जाती है। सो आई होप आप सभी को ये एप्लीकेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कार्य वीडियो कुछ नए एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।